वेलकम बैक। इस एग्जाम्पल में ये रिएक्शन दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइनली अमोनिया प्रोड्यूस इज हाफ ऑफ H2 रिमेनिंग। ये फाइनली इतना बना है, ये फाइनली कितना बना, हाफ ऑफ हाइड्रोजन रिमेनिंग अनरिएक्टेड। तो हम लोग को बताना है कि ये कितना बचा, ये कितना बचा और ये कितना बना। ठीक है, कोई भी एक बता देंगे तो बाकी भी हम लोग बता सकते हैं। तो देखो फिर से वही इनिशियल चेंज फाइनल, और बैलेंसिंग करना नहीं भूलेंगे। N2H2 तो N2 प्लस 3H2 गिव्स यू ट्वाइस अमोनिया, ये होता है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइनली अमोनिया प्रोड्यूसेस हाफ ऑफ H2 रिमेनिंग। तो हम लोग को ये वाला लाइन फिल करना होगा तभी अपना काम बनेगा। सो देखो इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे तो मोल्स ऑफ N2 क्या आ जाएगा, 56/28=2। सो दिस इज 2 मोल। यहाँ कितना मोल आएगा, मोल ऑफ H2 विल बी 6/2। देखो ये सब आसान है फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। 3 मोल, ये तो 0 मोल, ये तो कुछ लिए नहीं। अब कितना कंजम्पशन ने बताया है, 100% नहीं, 50% नहीं, हम लोगों को कंजम्पशन बताया नहीं, तो कंजम्पशन या चेंज कैसे निकालेंगे। यहां पर जो दिया है ना कंडीशन, यहां से निकालेंगे। तो हम लोगों को दिया नहीं ये चेंज, तो हम लोग मान लेते हैं एक्स। तो अगर ये मेरा माइनस एक्स हो गया तो ये मेरा कितना होगा, माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3/1, यहाँ प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2/1। आप यहाँ भी एक्स ले सकते थे, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता फाइनल आंसर। नाउ ये कितना बचा, 2 माइनस एक्स, ये कितना बचा, 3 माइनस 3x, और ये कितना, 2x। आया ना, बिल्कुल सही। अब देखो क्या बोला है, अमोनिया प्रोड्यूस इज हाफ ऑफ H2 रिमेनिंग। तो अमोनिया प्रोड्यूस इज इक्वल टू हाफ ऑफ H2 रिमेनिंग। तो H2 कितना बच गया, H2 इतना बच गया, अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ, अमोनिया इतना प्रोड्यूस हुआ। So, 2x is equal to half into 3 minus 3x, आया ना, बिल्कुल सही। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 4x implies that 7x is equal to 3 आएगा, implies that x is equal to 3/7। अब देखो बाकी आप कर सकते हैं, अगर आपको x पता है तो ये पता है, तो ये कितना हो जाएगा, this will be 2 minus 3/7, 2 minus 3/7, this will be equal to 14 minus 3, 11/7 moles। ये 3 minus 3x, तो 21 minus 9, 21 minus 9 is 12/x, सॉरी 12/7, और ये हो जाएगा 6/7। आ गया आपका आंसर। तो ये इतना बचा, ये इतना बचा और ये इतना बन गया, हो गया। सो देखो अगर आप ये फॉलो करते हैं और सही से इक्वेशन बना लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको स्टोशियोमेट्री में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।